जहां केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पूरे प्रदेश में सफल ऋण मोचन माफी योजना के तहत किसानों का कर्जा माफ कर उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी SIDC के किसान अपनी ही जमीन वापसी लेने के लिए जहर कर रहा है। ऐसा ही मामला उन्नाव के भूमि अधिग्रहण को लेकर सामने आया, जहां समाजवादी सरकार की UPSIDC द्वारा अधिकृत की गई किसानों की जमीन सरकार बदलने के बाद भी आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते यहां का किसान आंदोलित हुआ है। सपा सरकार के युवराज अखिलेश यादव की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक ट्रांस गंगा सिटी एक थी, जो आज भी अपने विकास में तरस रही है, जिसके चलते UPSIDC और किसानों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद और गहराता चला जा रहा है। तीन गांवों के सैकड़ों किसान लगभग 10 दिनों से कन्हवापुर स्थित ट्रांसगंगा सिटी स्थल पर धरने पर बैठे हैं और UPSIDC से अपनी जमीन वापस देने को कह रहे हैं। और तो और, अब तो किसानों की लड़ाई गुलाबी गैंग अपने हाथों में ले ली है, जिसके चलते गांव की महिला किसानों को लाठी चलाने का हुनर गुलाबी गैंग के लीडर संपत पाल द्वारा स्वयं दिया जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर को अपनी जमीन वापस लाने के लिए और अपनी जमीन पर हल चलाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। वहीं किसानों का साफ कहना है कि 2 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई लड़ना है। अब देखना ये है कि उन्नाव प्रशासन का कैसा रुख रहेगा इन किसानों के प्रति। जबकि हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान UPSIDC के MD की शव यात्रा व शुद्धि बुद्धि हवन भी किया गया था। हुआ है 2002 से, तब से हम इस अधिग्रहण पर विरोध करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इसमें शुरुआती रिपोर्ट जो लगाई गई जिलाधिकारी के द्वारा हमारी उपजाऊ जमीन को सबसे पहले ही रिपोर्ट में बंजर दिखाया गया, जो नितांत झूठ रिपोर्ट लगाई गई, जिसको खसरा और इन खतौनी वगैरह आज भी मौजूद हैं पुराने रिकॉर्डों में, ये बहुफसली भूमि है। इसीलिए हम 2002 से इस पर विरोध करते आए हैं और बराबर हम इस पर विरोध करते चले आ रहे हैं। इस आंदोलन का संचालन हमारे द्वारा शुरू से किया जा रहा है और समय आने पर इन UPSIDC और इन लोगों ने, प्रशासन ने कभी भी ये ज़रूरत नहीं समझी कि आंदोलन करने वाले लोगों से किसानों के बीच में जाकर कोई वार्ता की जाए। उनके साथ है पहले आगे किसान, बाद में गुलाबी गैंग की महिलाएं। जो किसान को मंजूर होगा हम उनके साथ है, देखिए उनको जोतना है, मुझको नहीं जोतना। किसान अगर जोत रहे हैं तो वो किसान जोतेंगे, हम उनके सपोर्ट में। और प्रशासन शासन एक तो वैसे चोर हैं, वैसे उन्हें डकैती डालने आना आया है, आएंगे तो फिर हम फिर पंगा लेंगे उनसे, ऐसा नहीं है। हम डरने वाले थोड़ी, हमने तो उनसे पहले बता दिए कि 2002 में तुमने ये जमीन को अधिग्रहण किया तो उसका अधिग्रहण अधिनियम पालन हमें वो सूची ले आओ। दो अक्टूबर को हम गांधीवादी बनकर अपने जमीन पर हल चलाएंगे और किसानों की जमीन पर हल चलाना जन्मसिद्ध अधिकार होता है, इससे सरकार हमें वंचित नहीं कर सकती है।